कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान देश के गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा पर राहुल काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इस सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। पैकेज की घोषणा के बाद ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सरकार की ओर से वित्तीय सहायता पैकेज सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं और बुजुर्गों का कर्ज है जो इस लॉकडाउन में परेशानी का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए खासतौर से गरीबों, बुजुर्गों और स्वयं सहायता समूह सहित निम्न आय वर्ग को राहत देते हुए 170 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है और इसको नाम दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों से 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीनों तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, चावल तथा 1 किलो दाल मिलेगी, वो भी मुफ्त। इसके साथ ही सीतारमण ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि 20 करोड़ से अधिक महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त मदद मिल सके। वित्त मंत्री ने 3 करोड़ गरीब वृद्धों, विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए 3 सप्ताह के लिए देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है और लोगों को रोजी रोटी कमाने में काफी दिक्कत आ रही है। कारखाने और संयंत्र बंद है, कई क्षेत्रों में नौकरी जाने की खबर है। वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 कर दी गई है जिससे 5 करोड़ लोगों को लाभ होगा। राहुल और पी चिदंबरम ने ही तारीफ नहीं की है सरकार की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्याय योजना यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करनी चाहिए ताकि गरीबों की मदद की जा सके। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर कदम का समर्थन करती है। दरअसल सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी कोरोना वायरस के कारण हुए इस संकट के समय में पूरी तरह से सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी ने लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफी मुश्किल वक्त है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं और मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम का हम समर्थन करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।